नमन प्रणाम दोस्तों, राम राम। आज मैं कपिल सियाक आपरे साथे बात करूँगा मायड़ भाषा में। तो अटेरा जो अफ्रीका धरती माते जका हाल चाल है जका आपने सुनाऊँगा और अवगत कराऊँगा। तो मैं आज अटे नैरोबी जकी केन्या देश की राजधानी है, मैं राजधानी हूँ। आज 25-40 किलोमीटर दूर है तक मैं आज भ्रमण कियो हो इत को गाँव को। इत गाँव के मैं गाँव की रहन सहन देखी और जका गाँव का लोग है पेड़ पौधों जुड़ा पाँव जानकारी जुटाई। और उस स्कूल का टाबर है जका पढ़े लिखे है पाँव भी मिलिया और गुरुजनों भी मिलिया। आज अटे 3 जना लोग जका काश्तकार है पाँव भी मिलिया और जका खेती करने को तरीको है पाँव भी बहुत सारी जानकारी जुटाई। इत जो जमी है जो भूखंड है इनको बहुत ही बढ़िया उपजाऊ जमी है। यहाँ इन जमीन के माते इन धरती माते जका लोग एक साल में आमने मुने आमने मरुभूमि में एक साल में एक खेती कर सका। इत आप देख सको इत हरी भरी जमी माते एक साल के माँ चार फसल इत ले सके। इत ज़्यादातर लोग बाजरी मक्का और गुलसटारी जकी ठेलड़ी भी कहा अपनी मायड़ भाषा में गुलहंडा की खेती करे। इसका जगह किसान है जगह खेती करण वो आधुनिक हथियार बहुत कम ही यूज करे है। जगी भी खेती है देसी तरीकों खेती करे और जगह आपने गांव में नई फैशन चले गए जैविक खेती अपनाओ जैविक खेती अपनाओ। इत लोग है जो भी है पहला की टेम को जुड़ाव रखे है बिंग हिसाब हूँ देसी खेती बाड़ी ही करे है। इत खेती करण को तरीको थान बता दूँ कोई भी कीटनाशक और जगी देसी दवाई आवे अंग्रेजी दवाई आवे यूरिया खाद है आमने मुन कितना ही कीटनाशक की दवाई आया है बे इत लगाने की जरूरत आने नहीं पड़े है। इन भाग में केला की खेती भी बहुत सारी ज़्यादा हुए है और आंबा भी बहुत सारा ज़्यादा हुए है और इतना लोग ज़्यादातर लोग ग्रामीण खेती माते भी निर्भर है। अंग जितनी भी मजदूरी है तो वो खेती माते भी हुए है। एक इत चीज़ देखने मिली इत जितना भी जंगल देखो तो कम एक भी पेड़ पौधा 30-30 फुट 40-40 फुट ऊंचा है और आंबा का भी विशाल पौधा है मोटा मोटा जगह 25 फुट 20 फुट लमसम 10 मीटर ऊपर ही है। इत जितना भी पौधा है डीगा सफेदा है अपने देसी बाउंडियों भी इत है और भी इमली का भी कई झाड़ है और शीशम का भी पौधा हुआ है इत है। तो इत जगह लाइट विभाग में जितनी भी लाइट का खंभा है पे टोटल लकड़ी का पौधा ही यूज करे है। लकड़ी का पौधा सूखे पच काटे और काट बाऊँ हर 10-12 साल एक बार बन चेंज करे लाइट का खंभा ने लकड़ी का खंभा ही लागे। और इत लो इत का चीज़ लो बिल्कुल कम वापरे क्योंकि लो इत बार आवे इत पीने को नहीं कोई फैक्ट्री वगैरह को नहीं बार ने मंगावनो पड़े है जिन्हें इत का लोग कहने लोग ही बाकी जगह पारंपरिक है मकान है जगह मिट्टी का भी काफ़ी लोग मकान बनाउड़े है बाकी RCC भी करे है इत। और बाकी थाने बताऊँ इत जगह पशुधन है ज़्यादातर है इत लोग गाय पाले और जगह गाय को दूध है इत 50-60 रुपये लीटर इत बेचे आमदनी है। सबों ज़्यादा इत भैंस वगैरह लोग कम पाले बाकी खेती भी है बलदों भी करे और ट्रैक्टरों खेती इत कम करे। दूजो थाने बताऊँ जो यातायात सिस्टम है इत को यातायात आप देगा तो इत ऑटो रिक्शो वगैरह आपने सिटी के माँ हर जीती जोन 3-व्हीलर रिक्शो मिल जी इत रिक्शे जी ये खाली मोटरसाइकिल है बाकी इत 3-व्हीलर रिक्शो इतनी है टोटल 4-व्हीलर है जबकि मोटी गाड़िया है 4 चक्काली बेई ज़्यादा कारा है बेई चल है इतने इत दूजो एक बात की इत बाल में देख चीज़ की मिन आगरी लगी है इत का लोग गए घनी चोरी करे करे एक लो बार फिर दे कौन आपा ने नहीं लाइयो क्योंकि बेबी आज आज दस नो उन फिरा आग्रह नहीं बाढ़े
तो आपन ने इतो एको मैसेज लेवणो चाहिए उल्टो। मैं तो इत प्रचार प्रसार करना आया, पर बी हिसाब भेज देखा इत बहुत सारा लोग सजग है और जागरूक है पर्यावरण के बारे के माँ। एक एक पौधे को केयर करे, जब पौधो सूखे तो ही बिद काटे। आमने बन तो लोग आज आप खेजड़ीला प्रकरण देखा बाप के माँ कि तो मोटो पेड़ पौधा खेजड़िया काटिए प्लांट वास्ते, खाली विकास के नाम पौधा की कटाई हुए है। इत आज है महसूस नहीं हुए आप उभर आनी, ये तो मौसम है इतनी ठंडक है में जो आदमी को मन करे उभर हो तावड़े में उभर हो पनीर चिया में उभर हो, पर कोई आदमी को फर्क नहीं पड़े। पर कि तो एकदम जगी तबीयत है अपने सांस लेने की क्षमता है बहुत, एकदम शरीर ने फिट लागेगा आप कि तो हाकरो लागे आपने इतिया बारे बोकरा एड़ो इतको मौसम है। आपसे एक निवेदन करना चाहूँ, देखो मारो ग्लोबल ग्रीन को फेसबुक माते पेज है, सोशल मीडिया माते भी पेज ने आजकल सोशल मीडिया को जमानो है एक थिरो लोग जागरूक हल्ला हुए है भाई। एक दूजे हाथ वालों सिस्टम तो कम हो गयो आजकल का टाबरिया है तीन उगी फोन देखे फोन दिटिया भी फोन देखे फोन मान जीवन ने रोटी बिना धका ली पर फोन बिना धकावे को नहीं। छोटा मोटा बूढ़ा ठाडा पढ़िया लिखिया हगला ही फोन माते फोन ताना ही काम चले। तो मैं हगला निवेदन हूँ देखो मारो ग्लोबल ग्रीन को टीम जगह इतना मैं जानकार को नहीं हाँ, थोड़ा थोड़ा ही बोलना चाहवा मैं तो इतना हूँ मीन तो घनी इंग्लिश बोलनी आवे को नहीं, पर थोड़ी थोड़ी मीन समझ में आवे ठा पड़े हूँ भेल में कि थी इंग्लिश बोलूँ कि थी हिंदी बोलूँ थोड़ी मराठी आई है कि आई है कि नबी के हिसाब चले आपो कामड़ो इतने ठीक चले। बाकी आज इतने मैंने 28 तारीख में इत आया, आज 7 तारीख होगी है तो मैं 18 तारीख को फोटो आपने देश में मरुदर भूमि में आवन को विचार है। और बाकी एक सम्मेलन आप करा 14-15 तारीख को माँ कम 400-500 लोग आवन की संभावना है जो बहुत बढ़िया समाज के लोग भी सपोर्ट करें और जितना भी पर्यावरण प्रेमी है जगह पर्यावरण समाज में आवे सब लोगों को निवेदन है हाथ जोड़ निवेदन करूं कि मारो मैसेज जन जन तक पहुँचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद और मारे पेज ने वो शेयर करो, एक वो घंटी को बटन है वो घंटी को बटन दबाओ तो थाने मारो मैसेज है वो हगड़ों पहला थार कने आई। तो हगड़ा लोगों से निवेदन करूं हलो हलो इनकी फोटो ने एक शेयर को बटन लिखड़ो है सब्सक्राइब कर एक है इंग्लिश में बोल नहीं आवे को नहीं वर्ल्ड है थोड़ा मत रात कलर को बटन लिखड़ो भी मत दबायो और लोगों को घड़ो घड़ो निवेदन है तो सब ज़्यादा से ज़्यादा ये फोटो ने आगे आगे भेजने की कोशिश करियो तो आमनो पेज घड़ा लोग जानी और मैं फेसबुक माध्यम हूँ ये फेसबुक ताना ये घड़ा लोगों ने संदेश देवा इत की जे कल्चर है जे प्रक्रिया है वे अपने हाथ में हॉस्पिटल में जाए डॉक्टर कन जाए इत का लोग है जगह दया दिन डॉक्टर कन को जानी इत जगह सब चीज़ देसी जिम है भाई फल फ्रूट है बाकी चीज़ है रसायनिक खाता वहाँ ना कह को नहीं आमने गाँव में यूरिया खाद और बाकी कितनी तरीके खाद आवे जो आप धान में ना पूरा जमी है जगह खराब कर दा इत जगह मिट्टी है मिट्टी है जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है इत की इन मिट्टी के माँ साल के माँ 4 फसल लोग ले सके इतनी स्ट्रॉन्ग है और इत एक आंबा का जगह इत पेड़ पौधा है आंबा का माँ एक और सिस्टम देखियो पहली बार है कि आंबा जो 12 मास इत आंबा लगे 12 मास आंबा का फल लगे इत क्योंकि आमने भारत में आंबा खाली 4 घड़े घड़े मोस्ट 5 महीने तक आया करे इत 12 महीना ये आंब आंब का पौधा और आम डोडा लागदा ही जाए भाई आंबा को फल देता ही जाए और इतना लोगों का इमाते सब गुजारो चले घड़ों कर लोगों को खेती बाड़ी में गुजारो करे। बाकी ईद को रहन सहन है जो बहुत ही बढ़िया है और ईद को वातावरण है जब ईद की आमने भाई समझो आमने रहन सहन है हवा पानी है ईद को पानी तो मीठो है इस डैम को पानी आया करे और ईद जगह ठंडक रहे एकदम घनी गर्मी भी नहीं रहे। अब मैं पहला ईद मौसम हो जो दिन में 3 बार चेंज हों दो हेरिया को थोड़ा हल्को धूप निकल दो शाम की टाइम देबरा की थोड़ा को देबरा बजे बरसात होंगी और रात की टाइम बहुत सारी हर्दी पड़ती इतने ठंड घनी पड़ती सर्दी पड़ती हम इतने थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गयो हम नॉर्मल है मॉल में बोल दो बरसात कम हुआ इतने पहला जड़ी बस बरसात होंगी बाई तो आज बरसात नहीं हुए तो इन हिसाब हूँ भाई हगला ही समाज ने वो एक मैसेज देना चाहूँ कोई भी समाज को वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए क्योंकि हूँ गाँव में रहूँ तो मेरा एलर्जी घनी हुए तकलीफ हुए बहुत सारी समस्या हुए मीन हाँ हम दो रही हुए आई कि हम खा जावे बा इत क्लाइमेट में बा तकलीफ को बनी क्योंकि आमने भी तो हमें साधन घना हो गया हेयर माँ तो बिना मास्क के आजकल दिल्ली हिर की सिटी में मुंबई हिर की सिटी में
रहना ही बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप भाई बिना मास्क तो आप बाहर जा ही नहीं सका। इत के है जी, तो मास्क दर्श को तो आदमी ने एलर्जी को बनी एक तो, और क्लाइमेट है जो बहुत ठंडक क्लाइमेट है, आदमी ने वो महसूस को बनी भाई के गर्मी है के नहीं है, तो महसूस को बनी। बाकी इत मिट्टी है जब आंधी तूफान जित कम आवे थोड़ा बहुत है, क्योंकि पेड़ पौधा घना है, देखा ना पूरा चार साइड जंगल ही जंगल है। इतना लोग इतना जागरूक है कि हर खेत में थे बेजो कोरा जंगल ही जंगल है। इतना मैं बोलता हूँ आवन बुंद गिंडूरा धिंडूरा को नुकसान घणो है भाई, रोजड़ा ही है इतने गिंडूरा रोजड़ा है कि है कौन दी। बाकी इतने जबकि खेती करे तारबंदी करण की जरूरत कौन दी, आपके मस्त मोटा मोटा 10 बीघा 20 बीघा 40 बीघा खेत है जगह लोग सब्जी बावे इतने, बाकी चावला की खेती हुए, बाजरी की खेती हुए, गोलंडा इत गणी हुए, दूजो इत को ओ कल्चर है। और देखियो बाकी उसको उनका टाबरा भी बात करी, इत को जगह राष्ट्रपति है बनी 1 करोड़ के आसपास पौधा लगाने की घोषणा करी, भी टारगेट है कि एक है एक आने वाले 5 साल में 1 करोड़ पौधा है जो लगाना है। तो इधर लोग है बहुत ही जानकार और सजग है पर्यावरण के प्रति, तो प्रेम मांगो। बाकी ज़्यादातर लोग इतने जबकि आपने देसी देसी सब्जी है देसी चीज़ है, तेल एल को इत सेवन थोड़ा कम करे, लोगों ने जानकारी ली क्योंकि तेल को सेवन बिल्कुल ही कम करे। आपने गाँव में तो आजकल तेल जगह देसी चीज़ है सब मिलावटी आउन ढूंगी, इत आपने जगह आज 30-40 साल पहला जगह आपने कल्चर हो आपने गांव में भाई जगह रहन सहन ही बात आज आपन देखने को मिला। इन देश के माँ ये अफ्रीका देश की मिट्टी है जगह एकदम ताकतवान गणी है, जगह नोरोबी अफ्रीका की राजधानी है, नोरोबी हूँ मैं 40 किलोमीटर कनोबी गाँव है, भी कनोबी गाँव में आया और आज पौधारोपण भी किया। और इत का जगह स्थानीय लोग है भाई ग्रामीण है बहु मुलाकात करी, और बहु स्कूल टाबर है स्कूल के टाबरों भी करी, जगह छोरा है भी तो मन पूछो भाई थारों के काम काज है, के काम करो थार के रहन सहन है, कौन के करो के काम धंधो क्रिया करो, थारी इनकम कंगी है। बाकी इत मजूरी को सिस्टम है जो इतना खेत में काम करे तो वहाँ आदमी ने 200-300 रुपये दाड़ी दे, 200-300 रुपये दाड़ी दे, कई अंग माँ के भाई आमने बीत का हो रुपया हुए नहीं, आमने बीत का हो रुपया इत का 150 रुपया बराबर है, आप अभी तो हो रुपया इत ले रहा हो 150 रुपया बिड़ जाए, पर इत खेती किसान है जगह इत बापड़ा दबुड़ा है, तो किसान है कहने का ये तो सब्जी बाकी चीज़ हस्तवाड़ो ही है, बाकी जगह हेयर के माँ चीज़ा है जगह सब्जी बाकी चीज़ है होटला है, और आप कोई भी चीज़ खरीदा लो है लकड़ी भी हस्ती है, लो बहुत महंगो है बताऊँगा रे वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, पूर्ण प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद, ठीक है सर, धन्यवाद।